निभाउद्दीन से मोहम्मद रशीद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शायद इमरान मार्थ और DPO रजा सफ्तर कासमी की ज़ेर सदारत एक्सीडेंटल रिव्यू कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी RTA मुतरमा फरियाल ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर SQ 1122 इमरान खान, DSP ट्रैफिक और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर SQ 1122 इमरान खान ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए ज़िला भर में पिछले एक माह के दौरान होने वाले हादसात की रिपोर्ट पेश की। हादसात की नुमाया वजूहात में ट्रैफिक कवानीन की लाइलमी और इस पर अमल पैरा न होना, लापरवाही, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाना, तेज़ रफ्तारी और कम उम्र ड्राइविंग वगैरह है। डिप्टी कमिश्नर शायद इमरान मार्थ का कहना था कि वालदैन में इस बात की आगाही पैदा की जाए कि वह अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ी की ड्राइविंग ना करने दें। उन्होंने कहा कि बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट, बगैर रजिस्ट्रेशन चिंची रिक्शा, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल और ओवरलोड गाड़ियों को किसी सूरत भी शाहराहों पर ना आने दिया जाए और खिलाफवर्जी की सूरत में ना सिर्फ भारी चलान किए जाएँ बल्कि इन गाड़ियों को थानों में भी बंद कर दिया जाए।